तो चलिए व्यूअर्स, आज पहली बार मैं आया हूँ इधर विशाखापट्टनम में, और इधर आज निकलते ही हम घूमने जा रहे हैं कैलाशगिरी, क्योंकि सबसे पास अभी हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं है, एक दिन का ही टाइम है, तो घूमने के लिए अभी जाएंगे, देखेंगे कितना। कैलाशगिरी कभी गया नहीं हूँ, सुना हूँ नाम, मेरा घर से दोस्त लोग बहुत आए हैं इधर घूमने के लिए, मैं पहली बार आया हूँ। या कैलाशगिरी जाएंगे, उधर से आरती बीच जाएंगे, अभी थोड़ा सा छोटा मोटा प्लान बना के रखा है, तो अभी कैलाशगिरी के लिए निकलनी है, क्योंकि अभी गाड़ी नहीं है, या फिर हम कहीं और से कृष्णापट्टनम से इधर आए हुए हैं तो ऑटो से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर आउट ऑफ स्टेशन हैं और यही रास्ता जाता है कैलाशगिरी के, तो डायरेक्ट हम ऑटो से ही इधर ऑटो को एकदम मतलब वो करके लिया है, सीधा कैलाशगिरी तक जाएंगे भैया। ज़्यादा नहीं, आपको ओनली 50 रुपीज़ पे करना है पर हेड, आपको अगर उधर से पोर्ट से या फिर नवल डॉकयार्ड के आसपास कहीं से जाना है तो अभी निकल गए हैं, अभी कुछ देर में पहुंच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर ही है इधर से। एक चीज़ कहना चाहूँगा, वाइजैग में मेरे को ये ग्रीन बहुत अच्छा लगा, इधर ग्रीन का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, आपको चारों तरफ ग्रीन दिखाई देगा, आसपास पहाड़ है, जंगल है, और जो नॉर्मल रोड साइड पे भी बहुत ज़्यादा ग्रीन है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये कैलाशगिरी का मेन पहाड़ी है, इसी पहाड़ के ऊपर ही कैलाशगिरी है, मतलब वो जो हम जो देखने जा रहे हैं, या फिर जो शिव और पार्वती का जो बड़ा सा मूर्ति है उधर ऊपर, इसी पहाड़ के ऊपर है, तो उसी में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रीन है, और यहाँ से जो व्यू दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैमरे में शायद नहीं आ रहा होगा, और जो हम देख पा रहे हैं यहाँ से व्यू बहुत ही बढ़िया व्यू है। आप या अगर आप चल के जाओगे या पर्सनल व्हीकल में जाओगे तो रुक रुक के जाओगे तो बहुत आपको मज़ा आने वाला है, और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी है वीडियो, क्योंकि इतना लंबा रूट आपको मैं नॉर्मली नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, व्यूअर्स बहुत व्यू अच्छा है। फाइनली हम इधर कैलाशगिरी के गेट के सामने उतर चुके हैं, क्योंकि इससे आगे आपको कमर्शियल व्हीकल जाने की परमिशन नहीं है, या फिर आप कुछ भी कोई भी व्हीकल लेके नहीं जा सकते। ये कैमरे वाले भैया है, ये एक फ़ोटो का शायद 20 रुपये लेते हैं, आपको इधर भी फ़ोटो खिंचवा सकते हो, या आपका खुद का फ़ोटोग्राफी का कुछ है, वो सबसे बढ़िया होगा कि आप अपना ही कैमरा लेके जाइए। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ पे मेंटेन है, साफ़ सुथरा जगह है, बहुत अच्छा जगह है, आप घोड़े का सवार भी कर सकते हो। ये फोटोग्राफी पॉइंट है, यहाँ सारे फोटोग्राफी करते हैं, और यहाँ से जो समंदर और पहाड़ और जो पहाड़ का जो मेल है बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। ये है इधर का मेन जो अट्रैक्शन है, यही है यहाँ का पार्वती और शिव जी का जो मूर्ति है, यहाँ पे आप फोटो खींच सकते हैं, या फिर ये नज़ारा भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पीछे का व्यू, आसपास का जो साफ सुथरा अट्रैक्शन है, और जो आसपास का जो मतलब व्यू है वो बहुत अच्छा लगता है यहाँ से देखने के लिए। आप भी आइए और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि आसपास के एनवायरनमेंट या फिर जो सजावट है या फिर ग्रीन है, देखिए यहाँ पे भी मेरे को ये जगह पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चारों दो तरफ बांस के पेड़ है और बीच में से एक रास्ता है, आप यहाँ पे सिनेमेटिक वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बहुत अच्छा है। अभी चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे जो पसंद आया मेरे को, यहाँ से जो व्यू आता है ना, वाह यार क्या बताऊँ, यहाँ के व्यू एकदम पूरा शहर दिखता है, लगता है कि इधर से आपको पूरा शहर दिखेगा, आप इधर आइए, आके इस जगह पे खड़े हो जाइए और देखिए एकदम पूरा शहर दिखेगा आपको, वाह क्या लग रहा है, ये जगह बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू। हम जा रहे हैं, वहाँ से निकल गए हैं, अभी नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे, ये पहाड़ी का रास्ता है, और गोप्रो में शूट हो रहा है इसलिए शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा,
बट ये रास्ता बहुत डाउन है, आप साइकिल लेके आओगे तो आपको पैडल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पूरा नीचे अपने आप आ जाओगे। चलिए देखते हैं। अभी सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। इधर से निकल के हम ये गाड़ी वाले भैया को सीधा बोला है कि हमें एकदम सीधा आर के बीच में लेके जाना, उधर से जितना उन्होंने मांगा था उससे और डबल दे के हम जा रहे हैं उधर। अभी सीधा हम आ गए आर के बीच में, मतलब अभी कुछ मिनट में हम आर के बीच में पहुंच जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अभी आ गए कि इधर कैलाशगिरी के एकदम एंड पॉइंट में आ गए हैं, इधर से हम सीधा जाएंगे आर के बीच। तो लीजिए पहुंच गए हम आर के बीच और यहाँ तक अभी हमारा गाड़ी का सफ़र इधर तक ही ख़त्म होता है। इधर हम बाकी रास्ता या शाम तक हम पैदल ही घूमेंगे या फिर देखते हैं क्या होता है। अभी बाकी कहाँ जाने का प्लान है हम इस सोच नहीं पता, अभी सारे लोग मिलकर प्लान करेंगे यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। और अभी इधर एक दो म्यूज़ियम भी है, वो भी देखेंगे, एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम और एक सबमरीन म्यूज़ियम है, वो भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, शायद अभी बंद भी हो सकता है, मे बी, देखते हैं कब खुलता है। अभी पहुंच गए हैं हम, इधर ही रुकवाएंगे भैया। अभी हम हमारे वीडियो के एंड तक आ गए हैं और लास्ट में हम मुझे उतरे ये आर के बीच में जो सबमरीन का एक म्यूज़ियम है उसके सामने आके हम रुके हैं। अभी बाकी हम देखेंगे, अभी ये बंद है, 2 बजे के खुलेगा, अभी कुछ देर बाद हम जाएंगे या फिर हो सकता है कहीं और चले जाए। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और ब्लॉग वीडियो बनाऊंगा और इसके बाद भी और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू व्यूअर्स वॉच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। इससे अच्छा और ब्लॉग देखने के लिए और कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब।